यस एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों 12 घंटे शेष रह चुके हैं हमारे एग्जाम्स के लिए। मैं जानता हूँ आपके मन में बहुत ज़्यादा अभी बहुत सारे विचार उमड़ रहे होंगे, कुछ लोगों को नींद नहीं आ रही होंगी, कुछ लोगों को अजीब सा फील हो रहा होगा कि कल का पेपर हमारा कैसा जाने वाला है। मैं आपको एक बात बताऊँ यार, सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। आप प्लीज़ किसी भी बात का टेंशन मत लीजिए, आपने जो मेहनत की है ना वो रंग लाने वाली है, बस आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम लोग है ना खुद के ऊपर इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट करते हैं, हम लोग इतना ज्यादा सोचते हैं मुझसे होगा या मुझसे नहीं होगा, मेरा पेपर अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा, मैं जो छोड़ के जा रहा हूं वही पेपर में पूछ लिया तो, सर जो पढ़ के गया वो पेपर में नहीं जमा तो, सब कुछ अपने को ही सोच लेना है। भाई शांत हो जा, भाई रुक जा, सब कुछ एकदम अच्छा होने वाला है। सबके साथ ऐसा होता है, जब मेरे भी एग्जाम होते थे मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैं आपको कह रहा हूं बस आप शांत रखिए खुद के माइंड को, आपका पेपर आप खुद देखिएगा कल बहुत अच्छा जाने वाला है। बस आपको एक ही चीज करना है और वो है खुद पर भरोसा। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम की बात आ सकती है। अब सेल्फ डाउट मत कीजिए, अभी आपका काम है कि केवल और केवल रिवीजन करते रहना। जो जो टॉपिक्स अपने को हार्ड जाते हैं वो टॉपिक्स को ओवरव्यू कर लिया, कोई एडजस्टमेंट्स अपने को बहुत ज्यादा तकलीफ देती है उन एडजस्टमेंट को देख लिया, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लिया, ये सारे चीजों का भी समय है बेटा। तो प्लीज ज्यादा सोचिए ना, मैं जानता हूं इस समय आप लोग अभी बहुत ज्यादा टेंशन में होंगे। कुछ लोगों को मीम याद आ जाता है अचानक से, ये रात अंतिम, यही रात भारी है ना, वो सब चीजें शेयर होती है इधर उधर। मत ले रे भाई, लोड मत ले बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जस्ट अभी इंटर का भी सेशन, प्री एग्जाम मैराथन का उनका सेशन था लॉ का, वो खत्म हुआ और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये समय बहुत ज्यादा टेंशन होता है दिमाग पे। ये समय ऐसा लगते रहता है क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है कल के पेपर में। एक्चुअली कल का पहला भी पेपर होता है ना, इसलिए भी हमें ये सब चीज़ें फील होता है। मैं आपको बता दूँ पेपर के बाद बेटा बिल्कुल कुछ भी डिस्कस मत करना, लाइक लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ भी डिस्कस मत करना किसी के साथ, चुपचाप घर पे आ जाना। मैं आपके लिए 5:30 बजे एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी लेके आने वाला हूँ लॉ की, और 7 बजे से मैं आपके लिए रिविजन भी लेने वाला हूँ। बढ़िया शांति से मिलना, कल अपन लॉ के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फिनिश करवा दूंगा। 7 बजे से लेके 11 बजे तक, 10 बजे तक पूरे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लॉ के सातों एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निपटा दूंगा, है ना। तो एकदम मजेदार सेशन रखूंगा मैं आपके लिए, टेंशन मत लेना उसका। बस आप तुम अकाउंट्स कर लो भाई, मैं लॉ पूरा संभाल लूंगा आपका, आप उसका टेंशन मत लो। सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, सारी चीजें एग्जाम से पहले मैं आपको करवा दूंगा। बस आपको क्या करना है, बस आप अपना जितना भी फोकस है अभी अकाउंट्स के ऊपर रखिए बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, पहले 15 मिनट जो रीडिंग टाइम होते हैं ना उसको बहुत ध्यान से यूटिलाइज करना। 4 जगह लोगों के रिएक्शंस देखने में मत गवाना, आपको अपना पेपर संभालना है। दूसरा, अगर कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो इमीडिएटली काटापीटी मत करना, जब तक फेयर क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो जाता तब तक पुराने क्वेश्चन को मत काटना। पहले रीड करो, सोचो और उसके बाद लिखना स्टार्ट करना अकाउंट्स के अंदर। ऐसी बहुत सा बार हो जाता है कि अपन लिख डालते हैं उसको, मतलब बाद में फिर ध्यान आता है कुछ कुछ गड़बड़ हो गई करके, वैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। पहले ध्यान से रीड करो, सोचो और उसके बाद लिखो। सेंटर में किसी भी हालत में 1:15 तक पहुंच जाना है। कुछ कुछ चीजें कैरी क्या क्या करना है, आईडी प्रूफ दो, कैलकुलेटर दो, इसलिए बोल रहा हूं इनकेस अगर एक बिगड़ गया तो दूसरा होना चाहिए। कार्डबोर्ड रखना अपने पास, 2 पानी की बोतल और चॉकलेट छोटे छोटे रख देना इनकेस लगा बगा तो। इसके अलावा एडमिट कार्ड, ब्लैक पेन, पेंसिल और स्केल वगैरह रखना, और कार्डबोर्ड वगैरह रखना, और कुछ चीजें अगर मिसिंग होंगी तो प्लीज यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देना इस बात को, इसको आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हो वो है आपकी स्माइल और आपका कॉन्फिडेंस। जी हाँ बेटा, कल एग्जाम से पहले देखो, मैं जानता हूँ आप तो ये करती होंगे, भगवान जी या जिन भी गुरु को आप मानते हैं प्लीज़ उनका आशीर्वाद लीजिएगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लीजिएगा। आप बोलेंगे सर आपका आशीर्वाद, बेटा हम लोगों का आशीर्वाद तो आपके साथ हमेशा से है ही है, वो तो कोई बात ही नहीं है उसके अंदर। लेकिन डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कल का आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, बस अपना कॉन्फिडेंस अपने साथ रखिएगा। हमेशा 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 खुश रहते हुए जाइएगा पेपर में। अगर आप खुश रहेंगे, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, 1-2 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ भी गए तो भी आप उसको सॉल्व करोगे। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ अभी। देखो बेटा, सरप्राइज मत होना कभी भी। अगर 100 मार्क का पेपर होता है ना, ध्यान रखना, 100 मार्क का पेपर होता है ना 20 मार्क हार्ड होता है,
40 मार्क मॉडरेट होता है और 40 मार्क का क्या दिया जाता है, 40 मार्क का इजी क्वेश्चन होता है। मैं आपको बता रहा हूं ये हर एक पेपर में 40 नंबर के बेयर मिनिमम क्वेश्चन इजी होते ही है, बस ये जानबूझ के 20 क्वेश्चन को ऐसे जगह पे प्लेस करते हैं कि अपन उससे धोखा खा जाते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है बेटा, अपने को धोखा नहीं खाना है। एक बात बता दूं, जिस समय आपको समझ गया कि पेपर में ऐसे 40 नंबर के क्वेश्चन है जो मेरे को आ रहे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, वो कॉन्फिडेंस से आप और अच्छा सॉल्व करोगे। जिस समय आपको समझ गया 60 मार्क का अपन ने मजा आ गया, मौज कर दी, अपन ने लिख दिया 60 मार्क का, बढ़िया, आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो टॉपिक आपको नहीं आते थे, यानी कि जो क्वेश्चंस आपको पहले नहीं जम रहे थे, वो भी आपको जमना चालू हो जाएंगे। बस आपने कॉन्फिडेंस, आखिरी तक आपने हारना नहीं है, क्योंकि वो 3 घंटे ही जंग की बात है बेटा, समझना। हमने जो इतने महीने मेहनत की है ना, हमने जो भी 1.5-2 महीने इतने महीनों से हम जब भी प्रिपेयर कर रहे थे, हमने केवल और केवल ये 3 घंटे के लिए किए। 3 घंटे में सब कुछ अपना बेस्ट दे दो, मैं बस इतना ही कहूंगा आपसे। वो 3 आवर्स है आपके पास, 3 आवर्स में आप अपना बेस्ट दे देंगे, मैं बता रहा हूं आपको। बस फिर अपने को रिग्रेट नहीं होगा, बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए यार ये क्वेश्चन आसान था, मैं करके आता तो मजा आ जाता, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। बाकी आप आइए फिर 5:30 बजे, मैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी सेशन लेके आ जाऊंगा, 10-15 मिनट का रिकॉर्डेड डाल दूंगा या लाइव ले लूंगा, जैसा भी हो जाए, है ना। वो आप कभी भी, आप मतलब घर सेंटर से वापस आते आते भी उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा 7 बजे से पूरे जितने भी पूरे फाउंडेशन लॉ है बेटा, सारे लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करवा दूं। देखो मैं आपको बता रहा हूं, इन 1.5 डेज के अंदर आपको वीडियो प्लस सेल्फ रिविजन दोनों का मिक्स करके पढ़ना होता है। सिर्फ वीडियोज की मदद से भी कुछ नहीं हो सकता, और सिर्फ पढ़ के, मतलब पढ़ के तो हो सकता है सिर्फ, लेकिन ऐसा मैं कह रहा हूं, तो आपको है ना, तो आपको मैं पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कल करवा दूंगा, फिर मैं आपको अच्छा खासा समय दूंगा पूरा सेल्फ रिवाइज करने के लिए, और उसके बाद मैं आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, सब कुछ करवा दूंगा, मैं बोल रहा हूं ना आपको, सब कुछ निपटा दूंगा आपका। और अगले दिन सुबह बूस्टर सेशन भी लेके आ जाऊंगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, सब कुछ हो जाएगा यार, सब कुछ मिलके पार कर लेंगे अपन, उसका टेंशन मत लो आप, बस आप कल का पेपर बढ़िया से आप संभालो, लॉ तुम्हारा भाई संभालेगा, ठीक है। तो आ जाइए बेटा, बढ़िया से पेपर देखे, हमेशा खुश रहिए, बढ़िया रहिए, ऑल बेस्ट एवरीवन, अच्छे से पढ़ के आइए, है ना। और बताना मुझे आपका पेपर कैसा हुआ, मैं डेफिनेटली पूछूंगा लॉ से पहले, बट मैं वो इसलिए पूछता हूं कि बस ऐसे ही जानने के लिए, बाकी एस सच अपने को उससे पेपर से कोई लेना देना नहीं रहेगा, अपन लॉ के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करेंगे, राइट। ऑल द बेस्ट एवरीवन, प्लीज अपना ध्यान रखिए, प्लीज हमेशा खुश रहिए, और आप कमेंट सेक्शन में आप डालेंगे यस यू विल बी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट करके, आप ये चीज को डेफिनेटली डालने वाले हो, राइट। ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ओवरथिंक मत करना, रात का समय चुपचाप सो जाना बेटा लगे तो, पर प्लीज ज्यादा सोचना मत, अननेसेसरी सोच के कल का दिन भी आप खराब करोगे, ठीक है ना। ओके एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।